हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेवल विद मिस्टर एंड मिसेस। आज है 30th of October और बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है मिस्टर का बर्थडे और मिसेस ने कुछ अरेंजमेंट किया है, तो हम आपको लेके चलते हैं रोटरडैम का सबसे आइकॉनिक टावर में जिसका नाम है यूरोमस। सो लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कैसा लग रहा है हमारा आउटफिट? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका टोटल हाइट है 185 और हम लोग जाने वाले हैं 100 मीटर के ऊपर। वो प्लेटफॉर्म देखना है। Let's go. ये टावर हमारे घर के बगल में दिखता है। हम लोग आज तक नहीं गए इतने साल रह के, और आज हम लोग ऊपर देख के पूरा रोटरडैम का व्यू देखने वाले हैं। बहुत मजे आने वाला है। लेट्स गो। नेदरलैंड्स आ रहे हैं और रोटरडैम में रुक रहे हैं तो इससे अच्छा प्लेस आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से आपको पूरा रोटरडैम का व्यू 360 व्यू दिखेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे मील भी ले सकते हैं, आप ब्रंच ले सकते हैं एज अ स्टार्ट, या नहीं तो आप हाई टी या हाई वाइन या डिनर से आप एंड कर सकते हैं। और अगर आपको मील नहीं लेना है तो बस आप ऑब्जर्वेशन डेस्क में से पूरा व्यू ले सकते हैं। अभी हम लोग 100 मीटर्स हाइट पे है और ये टोटल यूरोमस का हाइट है 185 और हम लोग ऊपर भी जाने वाले हैं। एंड दिस बर्थडे इज गोइंग टू बी ऑसम। तो यहाँ पे हमें मिला है सैलड विथ योगर्ट, चीज है और विथ सम स्पिनच। फिर हमें मिला डोनट और छोटे छोटे स्मॉल कपकेक्स। उसके बाद इधर जो आइटम्स है ये कुछ नॉन वेज आइटम्स है, ये मेरे लिए वेज है। यहाँ पे क्रोशन और ब्रेड। आज अक्टूबर का लास्ट संडे है जिसका मतलब ये है कि आज से नेदरलैंड्स और बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज में डे लाइट सेविंग बंद। ऐसे तो इंडिया और नेदरलैंड्स का डिफरेंस 3.5 घंटे का होता है, मगर आज से 4.5 घंटे हो जाएगा और ये हर छः महीना चेंज होता है। तो लास्ट संडे ऑफ मार्च में वापस से डे लाइट सेविंग ऑन हो जाएगा। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि हम रवि का बर्थडे 25 आवर सेलिब्रेट करने वाले। अभी बज रहे 11:15 और 12 बजे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चालू हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड है, बर्थडे तो है ही, मगर बस मैं चाहता हूँ कि बस इंडिया जीत जाए। आज पिछला संडे तो कमाल हो गया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैचेस। और विराट ने क्या खेला है, मैं तो विराट का फैन बन ही गया वापस से, और कभी डाउट नहीं करने का उसके फॉर्म में। ही इज द बेस्ट प्लेयर। अंधेरा नहीं समझते सब और लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का।
मिस्टर जी, क्या है आपका बर्थडे का रेजोल्यूशन? पिछले साल तो बहुत ही उतार चढ़ाव से बिता, तो इससे ये रियलाइज होता है कि टाइम बहुत ही फास्ट भागता है, और अभी जब हम लोग यंग है तो इस बर्थडे रेजोल्यूशन में मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे प्लेसेस कवर करना चाहते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, और आपको दिखाएंगे ज़रूर। गाइस, हम लोग 110 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल में आ गए हैं। ये है ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है पूरा रॉटरडैम का। और अगर आपको यहाँ पे रुकने का मन है तो उसका भी इंतजाम है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग में उठ के आप पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं। ये रहा वो रूम जो आपको विंडो खुलते ही आपको मॉर्निंग व्यू दिखेगा, और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं अपने पार्टनर। ये रहा फेमस इरास्मस ब्रुक। अगर आप 31 दिसंबर को रुके रॉटरडैम पे तो बेस्ट है, इरास्मस ब्रुक के नीचे आइए और यहाँ पे ढेर सारा फायरवर्क्स का मजा लीजिए। इरास्मस ब्रिज के ऊपर से ट्राम, बस, कार सभी चीज चलते हैं, और इसके ठीक नीचे, पानी के नीचे अंडरग्राउंड टनल से मेट्रो भी पास होता है, और ये ब्रिज खुलता भी है बड़े बड़े शिप्स के लिए। 2020 Euromast was the tallest building in the Netherlands, but 2021 में ये रेसिडेंट बिल्डिंग ने Euromast को रिप्लेस किया। रॉटरडैम कंपैरेटिवली न्यू सिटी है नेदरलैंड्स में, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरा सिटी बॉम्ब किया गया था। और उसके बाद से जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्लान्ड और बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ हुआ है। रॉटरडैम सिटी हार्बर के लिए भी जाना जाता है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स पे यूरोप में जो भी ट्रेडिंग्स अंदर और बाहर जाते हैं शिप के द्वारा, वो रॉटरडैम के थ्रू ही होते हैं। Doe je ogen dicht en laat dat op je inwerken.
From me to we. अब हम लोग टॉप मोस्ट 185 मीटर्स में आ गए. A new begin. De stad waar mensen zichzelf opnieuw uitvinden, vindt zichzelf opnieuw uit. We are proud of who we are. Europe's portal to a new perspective. The panorama of a new Europe now reflects a colorful city. We live together with 170 nationalities. Die nieuwe wereld, die is nu hier. Rotterdam heeft de wereld in huis. We ruiken het. स्वागत है आपका ऑस्ट्रिया में.